हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे यूजीसी नेट जेआरएफ एग्ज़ाम के बारे में। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि इस एग्ज़ाम का पैटर्न क्या होता है, कितने पार्ट्स में एग्ज़ाम डिवाइड होता है, कितने पार्ट्स में होता है, इसका सिलेबस क्या होता है, साथ ही इसके लिए आपको बुक्स कौन कौन सी पढ़नी चाहिए, कौन सी इंपॉर्टेंट बुक्स हैं, कौन सी बुक को अवॉइड करना चाहिए, साथ ही किस तरीके से आप लोग इसके सिलेबस को सिर्फ एक महीने में कवर कर सकते हैं, यानी कि सिर्फ 30 डेज़ में आप लोग इसके सिलेबस को कवर कर सकते हैं और इजीली यूजीसी नेट को क्लियर कर सकते हैं। तो इन सब की बात हम आज की वीडियो में करेंगे। ये एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो है। इफ़ यू वांट टू क्लियर यूजीसी नेट जेआरएफ तो आप लोग इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। आई एम श्योर ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अपडेट ये है कि 20 अप्रैल को यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन ने नोटिफिकेशन जारी किया, या फिर हम ऐसे भी कह सकते हैं कि यूजीसी नेट एग्ज़ाम के एप्लीकेशन फॉर्म्स आउट हो चुके हैं। आप लोग एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर सकते हैं ऑनलाइन। साथ ही इसकी जो लास्ट डेट है वो 12 मई है, उससे पहले पहले आप लोग अपने फॉर्म फिल कर दीजिए। अगर आपको आप लोग इसके फॉर्म को खुद भी फिल कर सकते हैं, अगर आप बाहर से फिल कराते हैं किसी साइबर कैफ़े से कहीं से भी तो वो चार्जेस लेते हैं, लेकिन अब आप इसके फॉर्म को खुद भी फिल कर सकते हैं। अगर आप इसके फॉर्म को फिल करना चाहते हैं खुद अपने फ़ोन से, अपने लैपटॉप से, तो उस पर भी वीडियो बन सकता है। तो आप लोग अगर उस वीडियो को देख कर अपना फॉर्म फिल करना चाहते हैं तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर कीजिएगा। फ़िलहाल हम इस वीडियो में बात करते हैं कि अगर आप लोग को एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है तो उसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप लोग वहां से जाके इसका फॉर्म फिल कर सकते हैं। साथ ही अगर इसकी फ़ी की बात करें, एप्लीकेशन जो इसकी फ़ी है वो जनरल अनरिजर्व के लिए 1150 है, जनरल EWS OBC NCL वालों के लिए 600 है, SC ST PWD या थर्ड जेंडर के लिए 325 है। ठीक है, तो ये तो हो गया इसका फ़ी पैटर्न। अब अगर हम इसकी सेकेंड अपडेट की बात करें तो मम्मी दला जगदीश कुमार, जिन्होंने ट्वीट करके इन्फॉर्म किया है। अब मम्मी दला जगदीश कुमार, पहले अगर हम इनके बारे में जानें तो ही इज़ करंटली द चेयरमैन ऑफ यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, जिन्होंने ट्वीट करके इन्फॉर्म करते हैं कि द नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एंड UGC हैव डिसाइडेड टू शिफ्ट द UGC नेट फ्रॉम 16 जून टू 18 जून। ठीक है, साथ ही बिकॉज ऑफ फीडबैक रिसीव फ्रॉम कैंडिडेट्स 16 जून टू 18 जून को उन्होंने अपना ये जो UGC नेट का एग्ज़ाम है ये शिफ्ट कर दिया है, क्योंकि कैंडिडेट्स को उनको फीडबैक रिसीव हुआ है। साथ ही NTA विल कंडक्ट UGC नेट इन OMR मोड, ये फर्स्ट टाइम है कि इन्होंने OMR मोड में, तो ये एक न्यू चेंज है इस बार के ये OMR मोड में नेट एग्ज़ाम होगा। अदरवाइज़ ये जो एग्ज़ाम है ये CBT मोड में होता है, तो ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए बहुत ज़रूरी थी। साथ ही अब अगर हम नेट GRF की एग्ज़ाम पैटर्न को डिस्कस करें तो अक्सर बच्चों को पता ही नहीं होता है कि एक सा एग्ज़ाम पैटर्न है क्या। अगर हम इसके एग्ज़ाम पैटर्न की बात करें तो UGC नेट एग्ज़ाम कंसिस्ट ऑफ टू पेपर्स। UGC जो नेट एग्ज़ाम है वो दो पेपरों में होता है। ठीक है, दो पेपर में ही होता है, एक बार में मिलता है, पेपर 1 पेपर 2। ठीक है, ये दोनों पेपर में जो क्वेश्चंस होते हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होते हैं। द टोटल ड्यूरेशन फॉर बोथ पेपर इज 3 आवर्स। आपको 3 घंटे मिलते हैं दोनों पेपर को करने के लिए, टाइमर स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, पेपर 1 जो होता है वो उसके अंदर जो टॉपिक आते हैं टीचिंग एंड रिसर्च एप्टीट्यूड के होते हैं। पेपर 2 जो होता है वो 83 डिफरेंट सब्जेक्ट्स में होता है, यानी कि सबके अलग अलग सब्जेक्ट्स होते हैं। हिस्ट्री जैसे कि एग्जांपल के लिए पेपर 2 में आपने स्पेशलाइजेशन जिसमें किया वो पेपर होता है, जैसे कि हिंदी, इंग्लिश, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, सोशियोलॉजी, बहुत सारे और भी एग्जेक्ट्रा। ठीक है, व्हाट इज़ द सिलेबस ऑफ नेट GRF पेपर 1? तो पेपर 1 जो होता है अक्सर बच्चे ऊपर से पढ़कर चले जाते हैं, तो ऐसा नहीं है, इसको आपको बहुत डीपली पढ़ना पड़ता है। पेपर काफ़ी इम्पॉर्टेंट होता है और हर स्टूडेंट के लिए ये पेपर जो होता है वो आउट ऑफ द सिलेबस होता है। और इसका एक चीज़ होती है कि ये पेपर जो होता है पेपर 1, ये सबके लिए सेम होता है, सबको वही 10 यूनिट्स पढ़नी पड़ती हैं, सबको उस चीज़ पे वर्क करना पड़ता है, उसको डीपली जाके पढ़ना पड़ता है। बट हर स्टूडेंट के लिए ये आउट ऑफ द सिलेबस होता है,
तो इसके अंदर 10 यूनिट होती हैं। पहली यूनिट जो होती है टीचिंग एप्टीट्यूड की होती है, जिसमें सब टॉपिक्स की अगर हम बात करें तो मेनली अगर आपको जिस पे फोकस करना है तो टीचिंग को लेकर इसके कॉन्सेप्ट, ऑब्जेक्टिव्स, लेवल ऑफ टीचिंग जैसे कि मेमोरी, अंडरस्टैंडिंग एंड रिफ्लेक्टिव कैरेक्टरिस्टिक्स एंड बेसिक रिक्वायरमेंट्स, लर्नर्स कैरेक्टरिस्टिक्स, फैक्टर्स इफेक्टिव टीचिंग रिलेटेड टू टीचर, लर्नर, सपोर्टर, मटेरियल, इस तरीके से मैथड ऑफ टीचिंग इन हायर लर्निंग इंस्टीट्यूशंस, टीचिंग सपोर्ट सिस्टम, साथ ही इवैल्यूएशन सिस्टम। तो ये सारे टीचिंग एप्टीट्यूड के सब पॉइंट्स थे। रिसर्च एप्टीट्यूड्स के सब पॉइंट्स की अगर हम बात करें, इसके अंदर कौन कौन से टॉपिक्स आते हैं, तो रिसर्च के मीनिंग, टाइप्स, कैरेक्टरिस्टिक्स, पॉजिटिविज्म एंड पोस्ट पॉजिटिविस्टिक अप्रोचेस टू रिसर्च, मैथड ऑफ रिसर्च, स्टेप्स ऑफ रिसर्च, थीसिस एंड आर्टिकल राइटिंग, एप्लीकेशन ऑफ ICT इन रिसर्च, ICT इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, साथ ही रिसर्च एथिक्स। ठीक है, कॉम्प्रिहेंशन जो होता है, ये जो होता है ये थोड़ा ईजी होता है। इसमें एक पैसेज दिया जाता है, आपको क्वेश्चन पूछ होते हैं, उसको आपको आंसर करना होता है और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होते हैं, तो आपको ये जल्दी समझ में आता है। इस पर काफ़ी फोकस अगर आप थोड़ा सा भी करोगे तो ये आपके लिए काफ़ी ईजी होती है यूनिट थ्री। अगर आप यूनिट फोर की बात करें, इसके अंदर सब टॉपिक्स की, तो कम्युनिकेशन के अंडर आते हैं सब टॉपिक्स के। कम्युनिकेशन मीनिंग, टाइप्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कम्युनिकेशन, इफेक्टिव कम्युनिकेशन जैसे कि वर्बल एंड नॉन वर्बल, इंटरेक्चुअल्स, साथ ही बैरियर्स टू इफेक्टिव कम्युनिकेशन, मास मीडिया एंड सोसाइटी कैसे कम्युनिकेशन इसमें इसका रोल कैसे प्ले करती है। मैथमेटिकल एप्टीट्यूड में मेनली फोकस जो करना चाहिए हमें, फ्रैक्शन, टाइम एंड डिस्टेंस क्वेश्चन आते हैं इस पे, रेशियो, प्रोपोर्शन एंड परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, इंटरेस्ट एंड डिस्काउंटिंग, एवरेज एग्जैक्ट। ठीक है, यूनिट सिक्स लॉजिकल रीजनिंग की होती है, जिसके अंदर सब टॉपिक जो होते हैं वो अंडरस्टैंडिंग द स्ट्रक्चर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स, इवेल्युएटिंग एंड डिस्टिंग्विशिंग डिडक्टिव एंड इंडक्टिव रीजनिंग, एनालॉजीज। ठीक है, ये यूनिट सिक्स के अंदर आती है। डाटा इंटरप्रिटेशन की अगर हम बात करें, डाटा इंटरप्रिटेशन में सोर्सेज क्या हैं, एक्विजिशन, क्लैरिफिकेशन ऑफ डाटा, क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव डाटा, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, डाटा इंटरप्रिटेशन, डाटा एंड गवर्नेंस, ये इसके सब टॉपिक्स हैं। यूनिट एट जो होती है इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, ICT जिसको हम बोलते हैं, इसके सब टॉपिक्स में जनरल ऑब्जर्वेशंस एंड टर्मिनोलॉजी आती है, बेसिक्स ऑफ इंटरनेट, ईमेल, ऑडियो, वीडियो, ये सब आते हैं, डिजिटल इनिशिएटिव्स। ठीक है, इन हायर एजुकेशन ICT एंड गवर्नेंस, ये इसके सब टॉपिक्स होते हैं। यूनिट नाइन के सब टॉपिक्स में आता है पीपल डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट, में डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट कैसे, मिलेनियम डेवलपमेंट एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, ह्यूमन एंड एनवायरनमेंट इश्यूज, इम्पैक्ट्स ऑफ पॉल्यूशन ऑन ह्यूमन हेल्थ, नेचुरल एनर्जी रिसोर्सेज, इन सब की बात करते हैं। ठीक है, यूनिट टेन जो होती है उसमें दिखाया जाता है किस तरीके से इंस्टीट्यूशन ऑफ हायर लर्निंग एंड एजुकेशन इन एंशियंट इंडिया, evaluation of higher learning and research in post-independence India, oriental conventional and non-conventional learning programs in India, professional, technical and skill-based education, value education, policies, governance and administration। तो इन सब की बात यूनिट 10 में की जाती है। ठीक है, तो इस सिलेबस को देख के डरना नहीं है। आई नो सिलेबस ज़्यादा होता है, बट हाँ हम लोग इसे इजीली और स्मार्टली कवर कर सकते हैं सिर्फ एक महीने में। वो क्या स्ट्रैटेजीज़ हैं, किस तरीके से आप लोग कर सकते हैं, उसका भी हम इस वीडियो में बात करेंगे उसकी भी। तो अगर हम पेपर टू के सिलेबस की बात करें, तो एग्ज़ाम्पल के लिए अगर हम हिस्ट्री के को ले लें कि पेपर टू अगर हमारा हिस्ट्री है, ठीक है, मान लिया हमने, ठीक है, जैसे कि मैं अपने चैनल पर जो वीडियोज़ डालती हूँ पेपर टू से रिलेटेड ज़्यादा होते हैं हिस्ट्री के, तो पेपर टू में एंशियंट हिस्ट्री होती है, मेडिवल हिस्ट्री होती है, मॉडर्न हिस्ट्री, हिस्टोरियोग्राफी, तो इन सबको आपको पढ़ना पड़ेगा, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, तो अब इतने बड़े सिलेबस को कवर करने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट क्या है, बुक्स होना। ठीक है, बुक्स
कौन सी ऐसी बुक्स हैं जिनको पढ़कर आप इस पूरी सिलेबस को कवर कर सकते हैं। तो अगर हम स्पेसिफिक बुक्स की बात करें तो पेपर वन के लिए KVS मदान, ये जो बुक है ये आपके पूरे सिलेबस को कवर करती है। साथ में इसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स होते हैं, उसको आप सॉल्व कर सकते हैं। प्रैक्टिस क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा होते हैं। ये बुक जो है ये इजीली मार्केट में अवेलेबल है, ऑनलाइन भी है। अगर आपको ऑनलाइन चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, तो आप लोग वहाँ उस लिंक पे जाके इस बुक को ऑनलाइन डाउनलोड कर सकते हैं, KVS मदान। पेपर टू के लिए, एंशियंट हिस्ट्री के लिए अगर आप लोगों को कोई बुक चाहिए तो उपेंद्र सिंह इज़ द बेस्ट। RS शर्मा, अगर आपको उपेंद्र सिंह में एक डिफ़िकल्ट लैंग्वेज है, अगर आपका बेस क्लियर नहीं है, तो आप सबसे पहले RS शर्मा पढ़िए, उसके बाद उपेंद्र सिंह। बट हाँ, ऐसा भी है कि अगर आप सिर्फ उपेंद्र सिंह पढ़ेंगे तो आपका काम हो जाएगा। बट हाँ, बेस क्लियर करने के लिए बेसिक ईजी लैंग्वेज जो है वो RS शर्मा की बहुत अच्छी है, तो आप लोग RS शर्मा पढ़ सकते हैं। मिडिवल हिस्ट्री के लिए सफिशियंट है सिर्फ हरीश चंद्र वर्मा, बहुत मोटी बुक है, अगर आप इसको पढ़ेंगे, बहुत बड़ी है, बहुत ज़्यादा ओवर हो जाएगा। सतीश चंद्रा, वो भी NCERT वाली नहीं, अक्सर बच्चे NCERT वाली पढ़ते हैं, सतीश चंद्रा भी टू पार्ट्स में डिवाइडेड है, ठीक है, वो वाली मुगल हिस्ट्री, मेडिवल हिस्ट्री जो कि दो पार्ट्स में डिवाइड है, वो वाली सतीश चंद्रा आपको पढ़नी है। थर्ड, मॉडर्न हिस्ट्री के लिए शेखर बंदोपाध्याय इज़ इनफ, ठीक है। शेखर बंदोपाध्याय को अगर आप ध्यान से पढ़ोगे तो आपको हिस्टोरियोग्राफी के लिए ई श्रीधन पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं है, उसमें हिस्टोरियोग्राफी है। बट अगर आप हिस्टोरियोग्राफी पे वर्क अच्छे से पढ़ना चाहते हो, ठीक है, तो ई श्रीधन की बुक बहुत अच्छी है, काफ़ी बहुत अच्छी सी हिस्टोरियोग्राफी को कवर कर रखा है, ईजी लैंग्वेज है। अगर हम यहाँ बात करें कि किस तरीके से आप लोग 30 दिन में सिर्फ इस पूरे सिलेबस को कवर कर सकते हैं, तो यहाँ पे मैंने जो स्ट्रैटेजी बनाई है वो 3-3 दिन की बनाई है। इससे क्या होगा कि आपकी एक्टिविटीज़ होंगी वो दिन पर दिन इम्प्रूव होगी, ठीक है। 6 से 7 घंटे आपको पढ़ना ही पढ़ना है, जो डे 1-2-3 स्ट्रैटेजी है उसमें। साथ ही आपको सबसे पहले एग्ज़ाम के पैटर्न को समझना पड़ेगा, सिलेबस को समझना पड़ेगा, मार्किंग स्कीम को समझना पड़ेगा। आपको देखना पड़ेगा किस, जैसे कि हिस्ट्री का अगर मैं एग्ज़ाम्पल लूँ तो वहाँ पे एंशियंट हिस्ट्री, मेडिवल हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री, आखिर कौन सी ऐसी हिस्ट्री जिसमें आपका इंटरेस्ट ज़्यादा है, चीज़ें आपको याद ज़्यादा हैं, डेट्स अगर आपको याद ज़्यादा रहती हैं तो कहाँ पर आप मार्क्स ले सकते हो ज़्यादा से ज़्यादा, किस हिस्ट्री पर आपके वीक पॉइंट्स क्या हैं उसको आपको देखना है, ठीक है। तो ये 3 दिन आपको ये इस तरीके से पढ़ना है, लेकिन पढ़ना आपको 6 से 7 घंटे ज़रूर है। इस चीज़ को आपको अपने दिमाग में डाल लेना है कि 6 से 7 घंटे आपको रोज़ पढ़ना है, चाहे हो कुछ भी जाए, ठीक है। इसके बाद स्ट्रैटेजी ऑफ डे 4-7, ठीक है। तो इसमें क्या करना है आपको, सबसे पहले कोई भी एक कोर कॉन्सेप्ट उठा लेना है। जैसे कि अगर हम पेपर 2 की बात करें तो बहुत बेसिकली कोर कॉन्सेप्ट वो होते हैं जो कि आते ही आते हैं, जैसे कि 1857 का रिवोल्ट, ठीक है। इससे क्वेश्चन ज़रूर आता है, कभी कॉम्प्रहेंशन में पूछते हैं वो, तो कभी सिर्फ क्वेश्चन आता है, लेकिन आता ज़रूर है, ये कोर कॉन्सेप्ट है, ठीक है। आपको पता है इससे क्वेश्चन आएगा, तो उसको बहुत डीपली पढ़िए, उसको चूज़ कीजिए, देखिए आपके वीक पॉइंट्स क्या हैं, आपको वहाँ पर क्या समझ आ रहा है, साथ ही उसकी इम्पॉर्टेंट थ्योरीज क्या हैं, ठीक है। डेफिनेशन, अगर हम नेशनलिज्म हिस्टोरियोग्राफी की बात करें, ठीक है, तो हिस्टोरियोग्राफी किस तरीके से की गई है, जैसे कि 1857 के रिवोल्ट को लेकर अलग अलग हिस्टोरियन के अलग अलग व्यूज़ हैं, उसमें आ जाता है मिलान करने के लिए कि आखिर किस हिस्टोरियन का व्यू क्या रहा है 1857 के रिवोल्ट को लेकर, तो उसकी डेफिनेशन क्या रही है, थ्योरीज़ क्या हैं, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। इसके ना कंसाइज नोट्स बनाइए, ताकि आप ना जब उसको दोबारा पढ़ो तो बहुत क्विक रिविज़न हो सके, ठीक है। अब अगर हम बात करें स्ट्रैटेजी ऑफ डे 8-12 की, तो इसमें क्या करना है आपको, डाइव डिपर, ठीक है। इसमें आपको बहुत गहराई से पढ़ना है, कोई भी एक सब्जेक्ट है उसमें, हम 1857 के रिवोल्ट को ही ले लेते हैं, उसमें आपको इतनी डीप पढ़ना है, इतना अच्छे से पढ़ना है कि आपको देखना है कि इंडियन हिस्टोरियंस तो उस पर क्या बात करते हैं, उनके आर्ग्यूमेंट्स, उनकी थ्योरी, साथ में फॉरेन हिस्टोरियंस, यानी कि अगर फॉरेन इन द सेंस के कॉलोनिस्ट क्या कहते हैं, ठीक है, मार्क्सिस्ट क्या कहते हैं, रिविजनिस्ट क्या थ्योरी है उसके ऊपर, तो इस तरीके से कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करना है, आपको डीप में जाके ज़्यादा पढ़ना है, ठीक है। रिफ़र टू रेफरेंस बुक्स एंड ऑनलाइन रिसोर्सेज, आपको देखना है कि इसके अलावा इस पर क्या क्या काम हुआ है, ठीक है, उस चीज़ को भी फोकस करना है।
इसी के साथ सॉल्व प्रैक्टिस क्वेश्चन, ठीक है। प्रैक्टिस क्वेश्चन के लिए अगर आप देखेंगे तो गूगल पे बहुत सारे क्विज आते हैं, ठीक है, उसको आप सॉल्व कर सकते हैं। साथ में प्रैक्टिस बुक आती है, ठीक है, जैसे कि अगर आप हिंदी मीडियम से करेंगे तो किरण पब्लिकेशन जो है वहाँ पे आपको पेपर टू के लिए काफ़ी मतलब वहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स होते हैं 10 ईयर्स, वहाँ से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। साथ ही उसके छोटे छोटे नोट्स बना लीजिए, आपको जो क्वेश्चन नहीं आता, आपको पता है कि आपने वो चीज़ पढ़ ली है, उसके बावजूद ये चीज़ नहीं आ गई और आपको नहीं आती है क्वेश्चन में, तो उसके नोट्स बना लीजिए कि हाँ ये चीज़ मैंने पढ़ी है, उसके बावजूद ये क्वेश्चन अटैम्प्ट करने मुझसे नहीं हो रहा, मुझे नहीं समझ आ रहा, तो उस चीज़ को लिख लीजिए कहीं। उससे क्या होता है, लिखने से चीज़ आपके दिमाग जो होता है, माइंड हमारा जल्दी प्रोसेस करता है और चीज़ें याद रहती हैं, ठीक है। स्ट्रैटेजी ऑफ डे 13 to 16 अगर हम बात करें तो इसमें सॉल्विंग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर विद एग्ज़ाम पैटर्न, किस तरीके से एग्ज़ाम में क्वेश्चन दिया जाता है, जैसे कि 3 आवर्स का पूरा आपको एग्ज़ाम होता है, आपका टाइमिंग होती है 3 घंटे की, उसमें 2 पेपर दिए जाते हैं, आपको दोनों पेपर को पूरा करना होता है, जिसमें 150 क्वेश्चंस होते हैं। पेपर 1 में 50 क्वेश्चंस होते हैं एंड देन पेपर 2 में 100 क्वेश्चंस होते हैं, तो 150 क्वेश्चंस को आपको 3 घंटे में पूरा करना होता है, ठीक है। तो उस चीज़ की प्रैक्टिस करनी शुरू कर दीजिए, सॉल्व करना शुरू कर दीजिए पेपर 1 और 2 को साथ में, ठीक है, डे 13 to 16 के अंडर। आइडेंटिफाई टॉपिक्स आपको वहीं पे पता चल जाएगा जब आप क्वेश्चन पेपर सॉल्व करोगे, क्योंकि इस तरीके से आपको क्वेश्चन समझ आ भी रहे हैं नहीं, अगर नहीं आ रहा है तो क्या समझ नहीं आ रहा है, तो जो समझ नहीं आ रहा है उस पे दोबारा से फोकस कीजिए, उसकी रिवीजन कीजिए कि हाँ ये टॉपिक मैंने पढ़ा था लेकिन ये मेरे दिमाग से निकल चुका है तो मैं उसकी रिवीजन दोबारा करूँ, ठीक है। साथ ही स्ट्रैटेजी ऑफ डे 17 to 20 की बात करें तो इसमें आपको क्या करना है, टाइम का बहुत ध्यान देना है कि आखिर कितने मिनट में लग रहे हैं आपको कि उस क्वेश्चन को समझने में, ऑल टॉपिक्स जितने टॉपिक्स हैं उसकी रिवीजन करने में, ठीक है, जितना हो सके क्विक रिवीजन स्टार्ट कर दीजिए कि हाँ जल्दी जल्दी याद करना, जल्दी जल्दी चीज़ों को देखना कि हाँ ये तो मैंने पढ़ा था, क्विक रिवीजन वो आपकी कंसाइज जो आपने नोट्स बनाए ना उससे बहुत जल्दी होगी। साथ ही रिव्यू ईयर नोट्स फ्लैश, गूगल पे देखिए किस तरीके से नोट्स के रिव्यूज़, ठीक है, अलग अलग डाल रखे होते हैं लोगों ने, फार्मूलाज डाल रखे होते हैं कि अगर कोई चीज़ आपको याद नहीं हो रही है तो किस तरीके से आप उसको ईजी वे में याद कर सकते हो, ठीक है। इसी के साथ सॉल्व टॉपिक वाइज क्विजेज, क्विज सॉल्व कीजिए, ठीक है, सीक क्लैरिफिकेशन एनी डाउट, ठीक है, अगर आपको कुछ डाउट है तो आप अपने मेंटोर से बात कीजिए या फिर डाउट्स को क्लियर कीजिए, ठीक है। तो ये आपकी स्ट्रैटेजी ऑफ डे 17 to 20 तक रहेगा। इसके बाद 21 day to 24, इन 4 दिनों में आपको क्या करना है, स्पेसिफिक टाइम टू कवर द टीचिंग एंड रिसर्च एप्टीट्यूड। आपको पेपर 1 में सबसे ज़्यादा अगर फोकस किसी पे करना है तो टीचिंग और रिसर्च एप्टीट्यूड पे करना है, क्योंकि इससे बहुत सारे इससे क्वेश्चन ज़रूर आते हैं, और क्वेश्चन ऐसे आते हैं आपने पढ़ा होगा लेकिन क्या होगा कि आपको याद आ रहा होगा अच्छा हाँ ये तो था, बट उसके बावजूद वो क्वेश्चन अटैम्प्ट आप करोगे लेकिन गलत हो जाता है अक्सर, ठीक है, पढ़ने के बावजूद गलत होता है तो फिर वो चीज़ बहुत बेकार लगती है, ठीक है। तो उस चीज़ को ना बस सिंप्लीफाई, एक उसका सिंप्लीफिकेशन निकालिए, एक उसके एक जनरल जो जनरल लैंग्वेज में उस चीज़ों को समझने की कोशिश कीजिए। वो होता है ना कि जब हम कोई चीज़ पढ़ते हैं तो हमें समझ तो आ जाती है, बट हम जब क्वेश्चन को देखते हैं क्वेश्चन की लैंग्वेज इतनी टिपिकल होती है कि हम नहीं समझ पाते हैं चीज़ों को, तो चीज़ों को ना टिपिकल वर्ड में को देखिए किस तरीके से इजी लैंग्वेज में हम इसको समझ सकते हैं, उसके एग्जांपल्स के साथ पढ़ा कीजिए, ठीक है। एग्जांपल कोई भी चीज़ समझ रहे हो कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए एग्जाम्पल लिया कीजिए, ठीक है। एग्जाम्पल जो होते हैं वो जल्दी आपके माइंड को माइंड में रहते हैं, चीज़ें वहाँ पर एग्जिस्ट करती हैं और दिमाग में रहती है कि हाँ ये तो हमने ऐसे पढ़ा था, इसका एग्जांपल भी ये था तो ये ऐसे आएगा, ठीक है। तो इस तरीके से सबसे ज़्यादा आपको पेपर 1 में फोकस करना है तो टीचिंग और रिसर्च एप्टीट्यूड पे, ठीक है। अंडरस्टैंड द थ्योरीज प्रिंसिपल्स ऑफ टीचिंग रिसर्च मैथड कम्युनिकेशन एंड लॉजिकल रीजनिंग, ठीक है। कम्युनिकेशन लॉजिकल रीजनिंग इससे भी बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, हर टॉपिक से यानी कि हर यूनिट से 2 से 4 क्वेश्चन ज़रूर आते हैं, किसी से 4 आते हैं तो किसी से 2 आते हैं, बट आते सबसे तो आपको प्रिपेयर सारी यूनिट्स करनी है, ये नहीं है कि आप एक दो सोचो स्किप कर दे रहे हैं कोई नहीं बस पास ही तो होना है, तो ऐसा नहीं है, आपको सारी यूनिट बहुत अच्छे से कवर करनी है,
प्रैक्टिस पेपर, क्वेश्चन पेपर जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा आपका माइंड शार्प होगा, आपको पता चलेगा कि हाँ ये वाला क्वेश्चन इस तरीके से भी आ जाएगा तो हमें सॉल्व कैसे करना है, इसका आंसर ये होगा। ठीक है, स्ट्रैटेजी ऑफ डे 25 to 27 की, तो इसमें आपको इसकी अपडेट रहना है। ठीक है, यानी कि देश में चल क्या रहा है, जनरल अवेयरनेस होनी आपको बहुत ज़रूरी है, लेटेस्ट डेवलपमेंट क्या हो रहे हैं। ठीक है, स्कीम्स क्या क्या नहीं आ रही हैं, पॉलिसीज़ क्या क्या बन रही हैं, एजुकेशनल सेक्टर में क्या हो रहा है। ठीक है, साथ ही आप न्यूज़पेपर पढ़िए, मैगजीन्स पढ़िए, ऑनलाइन पोर्टल देख चेक करते रहिए कि चल क्या रहा है आखिर। ठीक है, साथ में अगर कुछ इवेंट्स होते हैं जो हमें याद नहीं रहते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट इवेंट्स होते हैं, तो उसके नोट्स बनाइए, ताकि गवर्नमेंट इनिशिएटिव पॉलिसीज़, एजुकेशनल पॉलिसीज़ होती हैं, ठीक है, जिनको हम याद नहीं रख सकते हैं, नहीं हो रख पाते हैं, या हम जल्दी मेमोराइज़ नहीं कर पाते हैं, तो उसके आप लोग नोट्स बना के रखिए, ताकि आप क्विक रिवीजन में उसको निकाल लो, मतलब याद रहे आपको। ठीक है, स्ट्रैटेजी ऑफ डे 28 to 29 की बात करें, तो प्रैक्टिस टाइम मैनेजमेंट टेक्निक्स देखिए। ठीक है, आपको टेक्निक्स आनी चाहिए। ठीक है, हर इंसान की अपनी अलग टेक्निक्स होती हैं, इसके कोई कुछ सीक्रेट नहीं होता। ठीक है, अगर हम बात करें कि टॉपर होते हैं, उनकी कुछ टेक्निक्स होती हैं, उनके कुछ अपने सीक्रेट्स होते हैं, वो उनकी जो प्लानिंग होती है, तो ऐसा कुछ नहीं होता। हर इंसान की अपनी टेक्निक्स होती है, हर इंसान की एक अपनी हॉबी होती है, उसे पता होता है किस तरीके से उसे अपना टाइम मैनेज करना है, किस तरीके से उसे अपना टास्क कंप्लीट करना है। ठीक है, तो सबके लिए हर चीज़ बहुत अलग होती है, तरीका सबका अलग होता है। ठीक है, आपकी खुद की टेक्निक्स होती हैं, तो आप उस चीज़ को बहुत जल्दी कर पाते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आपकी अपनी टेक्निक्स होनी चाहिए, किस तरीके से यूटिलाइजेशन ऑफ द एग्ज़ाम ड्यूरेशन को, कैसे टाइम को आप यूटिलाइज़ करोगे, किस तरीके से हर क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है आपको। ठीक है, कोई क्वेश्चन नहीं छोड़ना है, टाइम का ध्यान रखना है। ठीक है, वर्क ऑन स्ट्रैटेजीज़ फॉर अटेम्प्टिंग डिफरेंट सेक्शंस एंड मैक्सिमाइजिंग ओन स्कोर। जैसे कि मैंने पहले भी बात की थी कि आप अपना देखिए कि कौन सा आपका स्ट्रेंथ पॉइंट है, कौन सा वीक पॉइंट है। ठीक है, आपको पता है कि अगर हम लोग पेपर टू में ज़्यादा अच्छे हैं, तो पेपर टू को पहले अटेम्प्ट कीजिए, ताकि आपके स्कोर बने। ठीक है, आपको लग रहा है कि पेपर वन जो है उसमें हम ज़्यादा अच्छे हैं, या हमने ये वाले ये यूनिट्स बहुत अच्छे से किए हैं, और हम अपना पहले स्टार्टिंग से शुरू ही करेंगे, तो आप उसको पहले कीजिए। लेकिन सबकी अपनी अपनी टेक्निक्स, अपनी स्ट्रैटेजीज़ होती हैं, लेकिन ताकि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर ले सकते हैं। ठीक है, सही पेपर सही करना मैटर करता है। ठीक है, टेक्निक्स मैटर नहीं करती हैं, टेक्निक्स आपकी कुछ भी हो, बट सही होनी चाहिए, आपको पता होना चाहिए टाइम को आपको कैसे मैनेज करना है। ठीक है, क्वेश्चन सारे अटैम्प्ट करना। ठीक है, क्वेश्चन एक भी स्किप नहीं करना, और इसमें आइडेंटिफाई, ठीक है, वही वीक एंड स्ट्रॉन्ग एरिया, जो स्ट्रॉन्ग एरिया है उस काम उस चीज़ को पहले उठाना, ताकि आपको पता चले कि हाँ आपने सही 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 जा रहा है। ठीक है, आपको पता है कि हाँ इसमें आप बहुत एक श्योरिटी होनी चाहिए कि हाँ हम ये क्वेश्चन कर रहे हैं, हमें पता है ये सही है, हमें आता है। ठीक है, तो वो चीज़ पहले कीजिए, जो आपको नहीं आता उसमें बाद में घुसिए, वो चीज़ आपको ज़्यादा टाइम कंज्यूम करती है, वहाँ पे आपका टाइम वेस्ट होगा। तो इससे बेटर है जो आपको ज़्यादा अच्छे से आता है जो पार्ट, उसको पहले कीजिए एग्ज़ाम में। ठीक है, स्ट्रैटेजी ऑफ डे 30, डिवोट द लास्ट डे टू रिवाइजिंग की कॉन्सेप्ट्स। ठीक है, वो जो आपने कंसाइजली नोट्स बनाए ना, कंसाइज एकदम, ठीक है, उसको रिवाइज़ कीजिए बस। अवॉइड नए टॉपिक को तो पढ़ना ही नहीं है, लास्ट डे पढ़ोगे तो सब मिक्स हो जाएगा कि हाँ ये तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ऐसा नहीं है, ये तो हमें आता ही नहीं है, अरे ये हो गया, ये हमने पढ़ा क्यों नहीं, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं, जिसकी वजह से हमारा माइंड जो होता है ना, वो डिस्ट्रैक्ट हो जाता है। ठीक है, तो नए टॉपिक्स को लास्ट डे तो पढ़ना ही नहीं है, बिल्कुल छूना ही नहीं है, जो पढ़ा है सिर्फ उसको रिवाइज़ करना है, अच्छे से सोना है, नींद पूरी लेना, स्टे पॉजिटिव रहना, रिव्यू एग्ज़ाम गाइडलाइंस को बहुत अच्छे से पढ़ना, एग्ज़ाम सेंटर कहाँ है पहले से उसको पता लगाना, ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन जो हमारे रह जाता है वो होता है व्हाट इज़ दिस मार्किंग स्कीम। तो यहाँ पे हर क्वेश्चन को लेके, हर क्वेश्चन के दो नंबर मिलते हैं, यानी कि 150 क्वेश्चंस के 300 मार्क्स। ठीक है, तो यहाँ पे किसी भी क्वेश्चन की ऐसे नहीं है, एक तो ये एक ऐसा एग्ज़ाम है जिसकी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती, आपका कोई क्वेश्चन गलत है तो उसके मार्क्स नहीं कटेंगे, जो सही है उसके मार्क्स मिलेंगे आपको। ठीक है, तो उसको लेकर आप बेफिक्र हो जाइए। तो बस ये था हमारा आज का वीडियो, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जल्द ही मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ।